Cartoon Doo Doo TV Kheer Chor. हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है खीर चोर। ये कहानी तीन दोस्त और उनकी चतुराई के बारे में है। बहुत समय पहले किसी गांव में छेनू, नंदू और सुखी नाम के तीन दोस्त रहते थे। तीनों की दोस्ती बड़ी पक्की थी। एक दिन की बात है। सुनो भाई, मुझे पता चला है कि लक्ष्मणपुर गांव में मेला लगा है। सुना है मेले में बहुत से कलाकार आए हैं, वो तरह तरह के करतब दिखाते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है कि वहाँ विदेशी व्यापारी भी आए हैं। उनके पास कमाल की चीजें हैं। यदि ऐसा है तो हमें वहाँ जरूर जाना चाहिए। लक्ष्मणपुर तो पास ही है। मुझे लगता है यदि हम आज रात की यात्रा करते हैं तो कल सुबह तक आराम से पहुंच जाएंगे। कल का दिन घूम फिर कर हम रात तक वापस आ सकते हैं। तो ठीक है, आज रात को हम सभी चलते हैं। रात होने पर तीनों मित्र लक्ष्मणपुर के लिए निकल पड़े। वो एक घने जंगल से गुजर रहे थे। रात का सन्नाटा और जंगली जानवरों की आवाज सुनकर वो तीनों घबरा गए। मित्रों, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा। हम पहली बार थोड़े ना जंगल का सफर कर रहे हैं। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। दरअसल भूख तो मुझे भी लगी है, पर हम इस घने जंगल में क्या खाएंगे? यहाँ तो आसपास फल भी नहीं दिख रहे। चलो देखते हैं अपनी अपनी पोटली में क्या है। मेरे पास थोड़े चावल है। मेरे पास थोड़ा दूध है। मेरे पास थोड़ा गुड़ है। इनका हम क्या कर सकते हैं? इन तीनों चीजों को मिलाकर हम खीर बना सकते हैं। अरे भाई, जितना सोचा था खीर तो उससे भी कम बनी है। हाँ दोस्त, इससे तो किसी का भी पेट नहीं भरेगा, तो अब क्या करें? खीर देखकर सबके मन में एक ही विचार आ रहा था। काश ये खीर मैं अकेला खा सकता। देखो, खीर इतनी बनी है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति खा सकता है। अगर तीनों खाएंगे तो किसी का पेट नहीं भरेगा। एक काम करते हैं, हम तीनों सो जाते हैं, नींद में हमें सपने आएंगे। कल सुबह जब हम सोकर उठेंगे तो सभी अपना अपना सपना सुनाएंगे। जिसका सपना सबसे अच्छा होगा वही पूरी खीर खाएगा। हाँ, मुझे स्वीकार है। मुझे भी। इतना कहकर तीनों दोस्त सो जाते हैं, पर भूखे पेट होने की वजह से किसी को भी नींद नहीं आती। अगले दिन सुबह तीनों दोस्त सोकर उठते हैं। तो चलो, अब सबसे पहले अपना सपना कौन सुनाएगा? मैं सुनाऊं? हाँ हाँ, जरूर। सबसे पहले छेनू अपना सपना सुनाता है। कल रात मैंने सपने में देखा कि मैं जंगल में अकेला हूँ। तुम दोनों का कोई पता नहीं। मैं तुम्हारी तलाश में इधर उधर भटक रहा था कि भटकते भटकते मुझे एक राक्षस मिला। हे मानव, तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? मैं भटक गया हूँ। डरो मत, मैं अच्छा राक्षस हूँ। मैं इंसानों को परेशान नहीं करता, बल्कि उनकी मदद करता हूँ। अच्छा, मुझे भूख लगी है। मैं खाने की तलाश में भी भटक रहा हूँ। क्या तुमने कुछ नहीं खाया? कुछ नहीं खाया राक्षस भाई। मतलब तुम भूखे पेट हो? हाँ राक्षस भाई। मैं भी खाने की तलाश में भटक रहा था, और मैं इंसानों को खाता हूँ। नरम नरम, मुलायम मुलायम मांस,
लेकिन मैं उसे नहीं खा सकता जिसका पेट भरा हो। तुम मेरे लिए खाना बनकर आए हो मित्र। क्या? हे भगवान, भागो! फिर क्या हुआ मित्र? फिर भागते भागते मुझे एक आम का पेड़ दिखाई दिया। मैं फौरन उस पेड़ पर चढ़ गया और मैंने कुछ आम खाए। ओह, ये तुमने क्या किया? अब मैं तुम्हें नहीं खा सकता। ओह, तो इस तरह तुमने अपनी जान बचाई। मेरी कहानी तो हो गई। चलो अब तुम अपनी बताओ। मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही है मित्र। क्या मतलब? मैंने सपने में देखा कि मैं एक सुंदर से नदी के किनारे बैठा हूँ। तभी मेरी मुलाकात एक राक्षस से हुई। उसने मुझसे पूछा, हे मानव, तुम्हारा नाम क्या है? मैं इस जंगल में भटक गया हूँ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छा राक्षस हूँ। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं खाने के लिए फल तलाश रहा हूँ। क्या तुमने कुछ नहीं खाया? नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया। तुम हंस क्यों रहे हो राक्षस जी? मैंने भी कुछ नहीं खाया और मैं सिर्फ उस इंसान को खा सकता हूँ जो भूखे पेट हो। ये सुनते ही नंदू के होश उड़ गए। आदमी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। फिर क्या हुआ मित्र? फिर क्या? फिर मैं अपनी जान बचाते हुए एक फलों के बाग में पहुँचा। वहाँ बहुत सारे सेब के पेड़ थे। मैं फौरन एक पेड़ पर चढ़ गया और मैंने 3-4 सेब खा लिए। ये तुमने क्या किया? वाह दोस्त, तुमने तो बड़ी होशियारी से अपनी जान बचाई। अच्छा, मेरी और छेनू की कहानी तो हो गई। अब तुम अपनी कहानी सुनाओ। बड़े आश्चर्य की बात है मित्रों कि मेरे सपने में भी एक राक्षस आया था। कल रात हमारी चर्चा होने के बाद जब मैं सोया तो बहुत देर तक नींद नहीं आई। मुझे तरह तरह के विचार आ रहे थे। मैं विचारों में खोया ही था जब मैंने एक भयानक राक्षस देखा। फिर मैं उसे देखकर बुरी तरह घबरा गया। मैंने उससे पूछा, हे राक्षस भाई, तुम क्या चाहते हो? ये मेरा जंगल है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रात हो गई थी तो विश्राम करने के लिए रुक गए। मेरे जंगल में विश्राम करने के दाम चुकाने पड़ते हैं। दाम? कैसे दाम? मैं बहुत भूखा हूँ, तुम तीनों में से एक मेरा भोजन बनेगा। क्या राक्षस भाई, तुम भी भूखे हो और हम तीनों भी भूखे हैं। इस बार जाने दो, अगले बार भले खा लेना। नहीं, तुम्हारे दोस्त भूखे नहीं हैं। मैं तुमसे मिलने से पहले उन दोनों से मिल चुका हूँ। एक ने पेट भर के आम और दूसरे ने पेट भर के सेब खाए हैं। क्या? हाँ, और इसलिए मैं उन्हें नहीं खा सकता क्योंकि मैं सिर्फ उन्हें खाता हूँ जो भूखे पेट हैं। क्या मतलब मुझे? हाँ। हे भगवान, कहाँ फंस गया? वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता है। उसके पीछे राक्षस भी भागता है। वो एक पेड़ के पीछे छिपा हाँफ रहा होता है। अब मैं क्या करूं? अगर मैंने कुछ खाया नहीं तो ये राक्षस मुझे खा जाएगा। पर इस घने जंगल में मैं क्या खाऊं? अरे हाँ, हमने खीर बनाई थी, लेकिन मेरे मित्रों का क्या होगा? ओ, याद आया, उस राक्षस ने कहा था कि उन दोनों का पेट भरा है। लगता है अब मुझे जान बचाने के लिए खीर खानी ही पड़ेगी।
सारी खीर खा ली। मुझे माफ करना मित्र, पर मैं मरता क्या न करता, मुझे ही सारी खीर खानी पड़ी। सुखी की बात सुनकर दोनों मित्रों के पास कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। तीनों दोस्त फिर से अपने सफर पर चल दिए। कार्टून डूडू टीवी।